नून बच्चों हमारा जो हिंदी व्याकरण में ना क्लास 6, 7 और 8 इन तीनों के लिए हमारा जो टीचिंग का ये टॉपिक चल रहा था, प्रकरण चल रहा था, वो तो हमारा शब्द विचार कौन सा था, शब्द विचार या शब्द रचना। इसके अंतर्गत बच्चों भाग 6 में हमने शब्द विचार अर्थात शब्द के बारे में जाना या समझा। हमने देखो बच्चों भाग 6 में जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, फिर शब्द के 4 जो भेद थे ना वो हमने बच्चों जाने, और फिर भेदों में भी मैंने प्रभेद बताए। तो एक बार मैं आपको वापस से याद दिलाने के लिए बता देती हूँ कि जब भिन्न भिन्न वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। और शब्द में बच्चों 4 प्रकार के उसके भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर बताया था। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों मैंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 4 भेद बताए। फिर व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर मैंने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 भेद बताए। फिर उसके बाद में मैंने जो है ना अर्थ के आधार पे 10 भेद बताए और प्रयोग के आधार पे 2 भेद बताए, जिनमें भी उनके 4 प्रभेद हैं। कौन कौन से थे, विकारी और अविकारी। फिर विकारी में मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये 4 भेद बताए और समझाए थे। तो बच्चों फिर मैंने कहा था अगली हमारी जो कक्षाएं होंगी ना उनमें हम एक एक भेद को अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत आज जो है ना शब्द विचार के अंतर्गत बच्चों भाग 7 की क्लास के अंतर्गत कक्षा के अंतर्गत हम शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर उसके शब्द भेद जानते हैं। किसके आधार पर बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। मैंने 4 भेद बताए थे, उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग और व्युत्पत्ति या रचना। तो पहला हम जो भेद था उसमें उसके 4 जो प्रभेद थे उनको जानते हैं और समझते हैं। तो पहला भेद है हमारा बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं उनको हम जानते हैं और समझते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द माने जाते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है बच्चों जिनका जन्म हुआ है, जिनका निर्माण हुआ है। तो 4 प्रकार के शब्द हिंदी के अंतर्गत माने गए हैं और वो थे बच्चों तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कौन कौन से थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो हम इनमें से जो है एक एक शब्द के को सब एक एक शब्द का जो भेद है ना उसे एक एक को समझते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ है बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है तत्सम। तत्सम शब्द भी बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है, समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है सम्मान, उसके सम्मान। लेकिन बच्चों किसके सम्मान, संस्कृत भाषा के सम्मान या संस्कृत भाषा के। तो कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग एज इट इज वैसे के वैसे अर्थात यथावत उसी रूप में किया जाता है, वे शब्द बच्चों तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द बच्चों जो है ना खुद भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है सम्मान अर्थात उसके सम्मान। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में बच्चों उन्हें काम में लिया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात और आपको क्लियर कर देती हूँ कि हिंदी भाषा का जो विकास ना संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। इसीलिए संस्कृत
जो भाषा है ना उसके बहुत सारे शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी बच्चों ध्यान रखना कि तत्सम शब्द आ जाए तो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द है तो यानी ये तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द है तो ये कौन सा भेद है। उत्पत्ति के आधार पर भेदों में से भी एक भेद है। तो यहाँ पर बच्चों उत्पत्ति के आधार पर जो चार भेद होते हैं ना उसमें पहला हमारा भेद है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। तो वह शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के साथ साथ उनका प्रयोग जब हिंदी भाषा में भी किया जाता है तो वे शब्द संस्कृत के शब्द जो होते हैं ना वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है क्षेत्र, कोप, अग्नि, दंत, सर्प, रात्रि, कार्य, दधी, घर्त, कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे शब्द होते हैं। देखो बच्चों क्षेत्र का मतलब होता है खेत, कोप का मतलब होता है क्रोध यानी गुस्सा करना, अग्नि का मतलब होता है बच्चों आग, दंत का मतलब होता है बच्चों दांत, सर्प का मतलब होता है सांप, रात्रि का मतलब होता है रात, कार्य का मतलब होता है काम, और दधी का मतलब होता है बच्चों दही। इसी तरह घर्त का मतलब होता है घी। इसी तरह अट्टालिका का मतलब होता है ऊंचा भवन। तो इसी तरह अंबर का मतलब होता है आकाश। तो कई सारे शब्द बच्चों हिंदी भाषा में हजारों से भी अधिक शब्द है जो तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के हैं, और उनका हिंदी भाषा में वैसे के वैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द बच्चों आपको तभी पता चलेंगे जब आप तत्सम शब्दों को याद करेंगे, तभी आपको ध्यान में रहेगा कि ये शब्द संस्कृत के हैं अर्थात तत्सम शब्द हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर तद्भव शब्द। दूसरा कौन सा है? तद्भव शब्द। अब देखो बच्चों तद्भव की परिभाषा है ना इस तरीके से है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों से अपना रूप बदल करके, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा के जो तत्सम शब्द हैं ना उनमें ही जब थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है तो उनका रूप परिवर्तन होने के बाद में जो शब्द बनकर सामने आता है उस शब्द को बच्चों तद्भव शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि तत्सम शब्द जब अपना रूप बदल करके थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उन्हें ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्षेत्र, क्षेत्र का हो गया खेत। अब मैंने लिखा है बच्चों शब्द कोप। संस्कृत में अपना ये क्या था? तत्सम में कोप, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो ये क्या बन गया? क्रोध। तो ये तो हमारा तत्सम, ये हमारा तद्भव। इसी तरह हमारा शब्द है यम, यमराज, शब्द है हमारा यमराज। अब बच्चों तत्सम जो संस्कृत का शब्द ना उसमें ये का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? ये का, लेकिन जब ये तत्सम में परिवर्तित होगा तो इसमें ज का प्रयोग हो जाएगा। तो यमराज की जगह क्या बन जाएगा? जमराज। क्या बन जाएगा? जमराज। तो इसी प्रकार बच्चों जब शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है उसका रूप बदल जाता है और रूप बदलने पर जो शब्द बनकर सामने आता है वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्षेत्र का हो गया है बच्चों खेत, कोप का हो गया है बच्चों क्रोध, अग्नि का हो गया है बच्चों आग, दंत का हो गया है बच्चों दांत, सर्प का हो गया है बच्चों सांप, रात्रि का हो गया है बच्चों रात, कार्य का हो गया है बच्चों काज, दधी का हो गया है बच्चों दही, घर्त का हो गया है घी, अट्टालिका का हो गया है अंबर। तो ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जब उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है और उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये हमने इसके बाद में तत्सम के बाद में जाना तद्भव, जिसमें मैंने बताया कि जब शब्द अपना रूप परिवर्तन करके या तत्सम शब्दों में हल्का सा जब रूप में परिवर्तन आ जाता है तो वो शब्द जब हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों जहाँ पर यह युक्त शब्द आ जाता है
वो तत्सम है, लेकिन जब यक के स्थान पर जय का प्रयोग होता है जैसे कि यशोदा, तो यशोदा नहीं बोलेंगे, तद्भव में क्या बोलेंगे, जसोदा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो शब्द बनकर आया है वो क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में यक का प्रयोग होगा और तद्भव में यक के स्थान पर जय का प्रयोग हो जाएगा। तो आपको बच्चों यही ध्यान रखना है कि यक के स्थान पर इसमें जय का प्रयोग होगा, तो यशोदा के स्थान पर शब्द क्या बनेगा हमारा, जसोदा। क्या शब्द बनेगा, जसोदा। इसी तरह बच्चों आगे के जो हमारे शब्द हैं उनमें आप देखो तीसरा शब्द है देशज शब्द। तीसरा कौन सा है बच्चों, हमारा देशज शब्द। अब देशज शब्द की जो परिभाषा है ना बच्चों, वह कुछ इस तरीके से है कि वे शब्द जो स्थानीय लोगों के द्वारा सामान्य बोलचाल हेतु काम में लिए जाते हैं। वे शब्द जो स्थानीय लोगों के द्वारा सामान्य बोलचाल हेतु काम में लिए जाते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों ज़्यादातर हम लेते हैं कि स्थान विशेष अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ पे अशिक्षित लोग रहते हैं या समुदाय में गाँव में जो लोग रहते हैं वो अपने आधार पर स्वयं ही अपनी बोली चाली के आधार पर कई सारे शब्द गढ़ लेते हैं अर्थात बना लेते हैं, तो बच्चों उन शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, देशज या देसी शब्द कहा जाता है। जैसे कि झाड़ू है, लोटा है, डोरी है, तो इसी तरह काफ़ी सारे शब्द होते हैं। तो वह शब्द जिन्हें ग्रामीण या स्थानीय विशेष के लोगों द्वारा बना लिया जाता है और वो अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में उसे काम में लेते हैं, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। अब हमारा शब्द में जो चौथा भेद है ना बच्चों, वह है विदेशी शब्द। कौन सा है, विदेशी शब्द। तो विदेशी से ही आपको पता चल गया होगा कि देसी के आगे, देसी शब्द जो है ना, देसी यानी देशज, देसी के आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात वे शब्द जो अन्य भाषाओं के, हमारे देश में जो भाषाएं नहीं बोली जाती है इसके अलावा अन्य देशों में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं के वे शब्द हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है यानी कि उन्हें हिंदी भाषा में काम में लिया जाता है तो वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्दों के अंतर्गत बच्चों हम कोई भी देश की भाषा ले सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा है इसके शब्दों का भी प्रयोग होता है, डच है, पुर्तगाली है, तथा चीनी है, जापानी है, रोमन है, फ्रेंच है, तथा कई सारी भाषाएं हैं। और छोटी छोटी जो हमारी जनजातियाँ हैं ना, जैसे गोड़ा जनजाति है, आदिवासी जनजाति में संथाल जनजाति है, तो इन जनजातियों के द्वारा भी जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं अर्थात देश को छोड़ करके बाहर के लोगों के द्वारा, विदेशों के लोगों के द्वारा जिन शब्दों को काम में लिया जाता है और उन शब्दों का प्रयोग जब हिंदी भाषा में किया जाता है, हिंदी भाषा में उन्हें व्यवहारिक रूप से काम में लिया जाता है, तो वे शब्द बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं, वे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। और बच्चों मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका क्षेत्र जो है ना बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इसमें अपने आप में सभी भाषाओं को समाहार यानी उन्हें शामिल कर लेने की शक्ति है। इसका शब्द भंडार भी बहुत विस्तृत और व्यापक है और इसीलिए बच्चों आप देख रहे होंगे कि चलो संस्कृत की से तो इसका जन्म हुआ है, संस्कृत तो इसकी माता है, जननी है, तो उसके शब्द तो आने ही हैं, लेकिन देखो आप बच्चों देश शब्द भी आए हैं, विदेशी शब्द भी आए हैं, तो अन्य भाषाओं के शब्दों को इसमें समाहित कर लेने की शक्ति है, इसमें सामंजस्य एडजस्टमेंट करने का सामर्थ्य है और इसीलिए हमारी हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो देखो बच्चों
हमारे देश में आपको पता ही है कि पहले हिंदू राजाओं का शासन था, उसके बाद में मुग़ल आए तो मुग़लों का शासन हुआ और फिर अंग्रेज़ आए। लेकिन जब मुग़ल आए तो उनकी भाषा उर्दू थी और उसकी लिपि बच्चों फारसी थी, तो हमारे देश में उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो हिंदी भाषा में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग होने लगा, अरबी के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा जिसकी लिपि कौन सी थी, फारसी थी। फिर बच्चों अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 150 साल तक अपने भारत के ऊपर शासन किया। तो अंग्रेजों की जो भाषा थी ना बच्चों, अंग्रेजी थी और उसकी लिपि रोमन थी। कौन सी लिपि थी उसकी, रोमन लिपि थी। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा। फिर अंग्रेज चले गए तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या करते हैं बच्चों, आवागमन करते हैं, आते जाते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। आज कई देशों में हमारे राजनायक और राजदूत भी नियुक्त किए गए हैं। तो अन्य भाषाओं के शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग होना सहज संभाविक है और इसीलिए हमारा हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है ना बहुत ही व्यापक है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्द का जो चौथा भेद होता है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, उसमें जो है डच, पुर्तगाली, संताली, चीनी, उर्दू, अरबी, फारसी, जापानी आदि कई भाषाओं के शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात वह शब्द काम में लिए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों हमारे शब्द के जो भेद होते हैं ना उत्पत्ति के आधार पर, वो चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और विदेशी में मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है हमारा पेन, अंग्रेजी का शब्द है हमारा हेडमास्टर, और एक हमारा पुर्तगाली शब्द है बाजरा। इसी तरह हमारा उर्दू का शब्द है इंतकाल, इंतकाल का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। इसी तरह अंग्रेजी का शब्द है कॉलेज, डॉक्टर, अफसर, स्कूल आदि सारे शब्दों का हमारे हिंदी में प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है कि देसी विदेशी शब्द का इनमें प्रयोग होता है। तो बच्चों आज की जो हमारी ये कक्षा हुई थी उसमें हमने शब्द जो है उनके भेद जाने और किस आधार पर जाने, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात वह शब्द जिनका जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वे शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहलाते हैं और उन्हें चार भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है बच्चों उसका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी। और तत्सम शब्द का मैंने बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो कौन से शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, तत् का अर्थ होता है उसके सम्मान, यानी जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन उनका अर्थात जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु उनका हिंदी में प्रयोग होता है वो तत्सम, और जब वो रूप बदल लेते हैं तो वो तद्भव। जैसे कि कोप का क्रोध, यशोदा का जसोदा, दंत का दांत, सर्प का सांप। और इसी तरह जब देसी शब्द स्थानीय लोगों द्वारा काम में लिए जाते हैं वो देशज कहलाते हैं, और विदेशी शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग होता है तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने ये चार भेद आपको बताए, और भाग 8 की जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम अपने व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद को जानेंगे और समझेंगे।